हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पर। देखिए, पूर्वांचल से जुड़ी हुई लोकसभा चुनाव की कोई भी खबर जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम बात करने वाले गोरखपुर लोकसभा सीट के बारे में, और यहां से आपको पता होना चाहिए बीजेपी ने अपना जो उम्मीदवार बनाया रवि किशन शुक्ल से, और यहां पे आपको 2018 में उपचुनाव हुए थे जहां पे गठबंधन प्रत्याशी प्रवीण निषाद जी बीजेपी को हरा के चुनाव जीते थे। और फिर से क्या हुआ, निषाद पार्टी शामिल हो गई बीजेपी में। उसके बाद निषाद पार्टी से जो सांसद थे गोरखपुर के, उनको दे दिया गया संत कबीर नगर से टिकट, और गोरखपुर से दिया गया रवि किशन शुक्ल, यानी कि आपके भोजपुरी और बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता रवि किशन शुक्ल जी को टिकट दिया गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम बताने वाले हैं, क्या रीजन यहाँ पे हो सकता है जिससे रवि किशन शुक्ल गोरखपुर सीट से, संसदीय क्षेत्र से चुनाव हार सकते हैं। यहाँ पे सारे रीजन को जानेंगे। हमने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आप लोगों से पूछा था कि क्या गोरखपुर से रवि किशन शुक्ल जीत सकते हैं या गठबंधन प्रत्याशी राम भुवाल निषाद। चलिए हम सबसे पहले उस सर्वे को जानते हैं। हमने आपके लिए ये वाला वीडियो अपलोड किया था, गोरखपुर सीट का सबसे बड़ा सर्वे। इस वीडियो को हम ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं क्या कमेंट्स आए हैं। ठीक, तो हमने ये वाला वीडियो ओपन कर लिया है और यहाँ पे इसके बाद नीचे आते हैं, टोटल हम कमेंट्स देखेंगे। टोटल हमारे लगभग 31 यानी कि 31 कमेंट्स आए हैं। सबसे पहले हम कमेंट्स को देखते हैं। यहाँ पे राहुल नागर बोलते हैं राम भुवाल निषाद जीतेंगे। उसके बाद देखिए कश्यप राजपूत बोलते हैं राम भुवाल निषाद जीतेंगे। यहाँ पर अजय अजय निषाद जिंदाबाद, अजय निषाद जिंदाबाद। यहाँ पे मुन्ना लाल आदर्श बोलते हैं निषाद इज विन, भुवाल निषाद विन। यहाँ पे अभी तक बात करें कोई भी रवि किशन शुक्ल को वोट नहीं कर रहा इस सर्वे में। यहाँ पे देखिए एसपी जीतेगी, यानी कि गठबंधन प्रत्याशी को ही ये बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए निर्मल कुमार राम भुवाल निषाद जीतेंगे, दुर्गेश निषाद निषाद जी को जा रहा है। यहाँ पे राम भुवाल निषाद जीतेंगे गोरखपुर से, दीपक साहनी जी बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये भी निषाद को जिता रहे हैं राम भुवाल निषाद, ये भी राम भुवाल निषाद को जिता रहे हैं रविंद्र चौधरी। अब आप बोलेंगे सारे निषाद हैं तो निषाद से कोई मतलब, यहाँ पे देख सकते हैं चौधरी हैं, ये भी राम भुवाल निषाद। यहाँ पे लोग वही कमेंट्स कर रहे हैं जो हवा चल रही है, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए राम भुवाल ये भी बोल रहे हैं राम भुवाल। अभी तक जितने भी कॉमेंट्स आए हमें किसी ने ये नहीं कहा रवि किशन जी जीतेंगे। यहाँ पे देखिए मुस्लिमों का भी टोटल सपोर्ट यहाँ पे गठबंधन को मिल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे शिवांश पांडे जी पहला कमेंट्स मिला हमें, रवि किशन मींस बीजेपी जीतेगी। नेक्स्ट राम भुवाल निषाद, यहाँ पे देख सकते हैं कौन है, मनीष वर्मा। उसके बाद देखेंगे श्रवण यादव राम भुवाल, राकेश कुमार समाजवाद, अवनीश एसपी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सारा लगभग एसपी। यहाँ पे सितारे हिंद बोल रहे हैं वोट फॉर बीजेपी। लगभग 31 कमेंट में हमें बीजेपी यहाँ पे देख सकते हैं टोटल। उसके बाद यहाँ पे टोटल राम भुवाल, यानी कि 31 कमेंट हमारे आए थे इस वीडियो पे, टोटल 3 हमें मिले बीजेपी के, और हमें टोटल बात करें तो 28 के समथिंग मिले हमें गठबंधन प्रत्याशी या कह सकते हैं राम भुवाल निषाद को। अब आइए इतना ही नहीं, हम और कुछ चीज़ें देखते हैं गोरखपुर के बारे में, कुछ फैक्ट जानते हैं। एक और चीज़ जान लीजिए, गोरखपुर में बात करें निषाद समुदाय, जैसे ही निषाद पार्टी बीजेपी में शामिल हुई उसके बाद तो निषाद समुदाय थोड़ा नाराज कम था, लेकिन जैसे ही टिकट प्रवीण निषाद का काट के उनको संत कबीर नगर भेजा गया तो गोरखपुर क्षेत्र का जो निषाद समुदाय है वो भड़क उठा है और बहुत नाराज है यहाँ पे। और वो पूरी तरीके से जो अपना सपोर्ट देने जा रहा है वो राम भुवाल निषाद यानी कि गठबंधन प्रत्याशी को देने वाला है। तो आइए हम जानते हैं निषाद जो जाति है या फिर निषाद जो समुदाय है कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है गोरखपुर लोकसभा सीट चुनाव के लिए। देखिए बात करें, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, बीजेपी ने जाति कार्ड खूब खेला। गठबंधन पार्टी जो भी रही है उन्होंने भी जाति कार्ड खूब खेला, और यही बात है गोरखपुर में जब भी चुनाव होते हैं तो वहाँ पे निषाद, किसी न किसी निषाद को टिकट जरूर दिया जाता है। उसका रीज़न ये है, गोरखपुर में जाति गणित देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 19.5 कह सकते हैं, लगभग 20 लाख वोटर है, और यहाँ पे 3.5 लाख वोटर निषाद, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वोटिंग है वो निषाद है यहाँ 3.5 लाख, और बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वोटिंग परसेंटेज में, ठीक है, ये निषाद समुदाय। उसके बाद बात करें निषाद जाति के सबसे अधिक मतदाता हैं लगभग 3.5 लाख, और यादव और दलित की बात करें तो 2.5 लाख है, और ब्राह्मण वोटर करीब 1.5 लाख है।
ठीक। और यदि इसमें देखिए साफ साफ लिखा है मैंने यहाँ पे, यदि चुनाव में निषाद, यादव, मुसलमान, दलित एकजुट हो जाते हैं तो परिणाम आपको चौंका सकते हैं। और सेम यही चीज़ होने वाला है यहाँ पे, देखिए क्या चीज़ होने वाला है। अभी हम आपको एक और फैक्ट दिखाते हैं यहाँ पे, 2014 की बात करें, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 2018 का जो उपचुनाव हुआ था उसमें गोरखपुर से 47% के समथिंग वोटिंग हुई थी, सिर्फ 47%, और वहाँ पे प्रवीण निषाद गठबंधन प्रत्याशी जीते थे। अब देखिए 2014 की वोटिंग और नतीजों के समीकरण को देखें तो उस दौरान 10,40,199 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, 10,40,000। और 2014 में बात करें, योगी आदित्यनाथ जी को 5,39,127 वोट मिले थे, 5,5 लाख कह सकते हैं, 5.5 लाख वोट तब मिले थे जब योगी आदित्यनाथ खुद सीट से लड़े थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सपा ने निषाद, राजमती निषाद को उतारा था निषाद कार्ड खेलते हुए, क्योंकि निषाद की जनसंख्या ज़्यादा है। वहीं पे बसपा ने राम भुवाल निषाद को उतारा था, यानी कि सपा बसपा दोनों ने अपने जो उम्मीदवार उतारे थे दोनों निषाद से उतारे थे, ठीक है, निषाद जाति के कैंडिडेट को। अब देखिए यहाँ पे 5,5 लाख योगी जी को मिले, और यहीं पे बात करें निषाद ये भी थी, ये भी निषाद थी, अगर जो दोनों निषादों के वोटों को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे 2 लाख ये और 1,76,000 ये लगभग में आपके आ जाते हैं 4 लाख, मतलब 4 लाख वोट ये आ जाते हैं सिर्फ निषाद समुदाय के, कितने निषाद समुदाय के 4 लाख वोट ये आ जाते हैं सपा बसपा अगर जो यहाँ पे गठबंधन कर दिया जाए। अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं फैक्ट। अब जैसे कि बोला गोरखपुर में कौन कौन यहाँ पे गठबंधन को वोट करने वाला है, सबसे पहले जो राम भुवाल निषाद है उनको निषाद समुदाय का पूरा वोट मिलने वाला है, अगर जो हम पूरा नहीं कहें तो 90% वोट कन्फर्म वहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि निषादों की बात करें एकता उनमें बहुत होती है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लगभग यहाँ से दलित वोट भी मिलने वाला है यहाँ पे, किसको, गठबंधन को। उसके बाद कुछ यादव वोट मिल सकता है और मुस्लिम वोट मिल जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही ये सारे वोट मिलते हैं यहाँ पे गठबंधन प्रत्याशी आराम से जीत जाने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो वोट परसेंट 50 से 55% वोट पड़ने की संभावना है आपके गोरखपुर क्षेत्र में जिस हिसाब से देखा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बात करें 2014 में लगभग यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 52-53% वोटिंग हुई थी, ठीक है, 52-53% वोटिंग हुई थी 2014 में, और 47% वोटिंग हुई थी 2018 के उपचुनाव में। तो इसलिए कह सकते हैं लगभग 55% वोटिंग की संभावना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो शहरी मतदाता होते हैं वही वोट देने नहीं जाते, और यहाँ पे जो ग्रामीण होते हैं वो वोट पक्का देते हैं। यहाँ पे 100% इस हिसाब से कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे गठबंधन प्रत्याशी राम भुवाल निषाद जीत रहे हैं। यहाँ पे अगर जो कहीं पे भी आपको कोई भी शंका हो तो कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बीजेपी क्या कर सकती है जिससे उसका सीट आराम से निकल जाए। तो बीजेपी को यहाँ पे करना ये है, सबसे पहला काम वो अपने पार्टी के जो निषाद पार्टी के संजय निषाद हैं उनसे मिले और उनको कहे, उनको कन्विंस करे कि हाँ वो जो नाराज निषाद है उनको मनाए और उनसे कहे कि वो कुछ ना कुछ प्रलोभन दे या फिर कुछ भी शर्त दे सकती है कि हाँ निषाद जो समुदाय है गोरखपुर में वो हमको वोट दे, इससे हम उनको ये फ़ायदा देंगे। निषादों का एक बहुत पहले से मांग रहा है कि जो भी निषाद हैं उनको SC मतलब जो OBC में आते हैं, SC जो कैटेगरी है वो OBC में आती है निषाद वाली, ठीक है, उनको वो चाहते हैं कि SC में शामिल किया जाए। तो ये बहुत पहले से मांग चला आ रहा है, और ये जब अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने शायद इसके लिए धरना प्रदर्शन किया था, बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था, उसमें शायद एक कोई लड़का था कन्नौज का, शायद उसकी मृत्यु भी हुई थी। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे मामला है निषादों को लेके, और अगर जो BJP कुछ ऐसा प्रस्ताव रखती है निषादों के सामने तो हो सकता है कि 50-60% निषाद यहाँ पे BJP को सपोर्ट कर दे, लेकिन कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। अगर जो बीजेपी के पास एक मौका है, अगर जो इस मौके को भुनाना चाहती है तो BJP ये काम कर सकती है कि निषादों को मनाए, क्योंकि अभी भी टाइम है। तो ये तो हो गई टोटल जातिगत जनगणना के आधार पर और क्यों निषाद समुदाय नाराज है उसके बारे में, और अब देखते हैं यहाँ पे रवि किशन शुक्ल के बारे में। अब कुछ मतदाताओं से ये भी सुनने को मिल रहा है कि रवि किशन शुक्ल बाहरी हैं, मतलब गोरखपुर से नहीं है, जैसे ही वो जीतेंगे वो अपनी दुनिया में चले जाएंगे, यानी कि फिल्मी दुनिया में चले जाएंगे, एक्टिंग क्षेत्र में चले जाएंगे, वो क्षेत्र में कम रहेंगे।
इस कारण से भी कुछ लोग यहाँ पर रवि किशन शुक्ल को वोट नहीं देने वाले हैं, वो गठबंधन प्रत्याशी राम भूपाल निषाद को वोट करने वाले हैं। तो देखते रहिए सुधीर गुप्ता, और भी कोई न्यूज मिलती है तो आपको सबसे पहले बताई जाएगी। और जो लोग यहाँ पे अपना मत रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं कॉमेंट के माध्यम से। और चलिए इस वीडियो को अभी यहीं ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।